एमएस वर्ड में फाइल टैब क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो देखिए एमएस वर्ड का फुल फॉर्म हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वर्ड का निर्माण किया जिसके अंतर्गत आपको फाइल टैब के अंतर्गत सेव को दिया गया है। सेव इसलिए दिया गया क्योंकि कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो वैसे स्थिति में सेव किया जाता है। देखिए सेव का मतलब होता है फाइल को सुरक्षित रखना, ठीक है, सुरक्षित करना। तो जब आप कोई भी डेटाबेस को लिखते हैं, डेटा को बनाते हैं या लिखते हैं, लेटर बनाते हैं, अदर चीज़ बनाते हैं, तो उसका पहला प्रोसेस होता है फाइल मेन्यू में जाके सेव करना। सेव से क्या होगा, सुरक्षित हो जाएगा। यदि आप कोई भी डेटा बना लिए हैं और सेव नहीं करते हैं तो वो कोई काम का नहीं रह जाता है। तो हम लोग सेव करने के लिए सीखते हैं, उसके बाद सेव के बारे में जानते हैं, सेव एज होता क्या है, उसके बाद ओपन के बारे में जानते हैं, ओपन से क्या कर सकते हैं, क्लोज से क्या कर सकते हैं, उसके बाद इन्फॉर्मेशन से क्या कर सकते हैं, उसके बाद रिसेंट से क्या कर सकते हैं, उसके बाद न्यू का क्या काम होता है, और प्रिंट का क्या काम होता है प्रिंट, उसके बाद सेव एंड सेंड और हेल्प ऑप्शन और एग्जिट, इन सभी का क्या काम होता है, इसको हम लोग एमएस वर्ड में अभी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं सेव के बारे में। सेव का मतलब होता है सुरक्षित। चलिए हम लोग फाइल को जब सेव करते हैं तो क्यों ऐसा होता है, तो चलिए हम लोग पहले कुछ नोट कर लेते हैं उसके बाद सेव करते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ को नोट कीजिए, तो चलिए नोट करने के लिए आप लोग को बता दिए थे सिंपल तरीका है, इसमें कुछ लिखना है तो आप लोग क्या कीजिए, इक्वल दीजिए, बराबर दीजिए, उसके बाद R A N D का प्रयोग करके छोटी कोष्ठ को ओपन कीजिए और बंद कीजिए। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही इक्वल दीजिएगा R, जैसे लिखिएगा R A N D, और जैसे ही रेंड लिखे उसके बाद छोटी कोष्ठ को ओपन कीजिएगा, बंद कीजिएगा, तो तीन पैराग्राफ आपको ये लिख के दे देगा। यदि वन लिखिएगा तो वन जैसे ही लिखिएगा तो ये आपको वन पैराग्राफ देगा। तो हम इसमें कुछ नहीं लिखे हैं तो तीन पैराग्राफ दे देगा। तो देखिए तीन पैराग्राफ ये आ चुका है और नोट भी हो चुका है। चलिए सपोज डैट ये इसको मान लेते हैं ये आपका फाइल है, ये डेटा बनाए हैं आप लिखे हैं, इसको सुरक्षित रखना है। अभी इसको यहाँ पे हम काट दे तो कंप्यूटर पूछेगा, देखिए क्रॉस पे जैसे ही सिंबल पे क्लिक किए तो क्या हो गया, ये मैसेज दे रहा है आप इससे पहले सेव नहीं किए हैं इस फाइल को, तो ये डॉक्यूमेंट को आप सेव नहीं किए हैं तो आप इसको सेव कर लीजिए, अन्यथा ये आपका फाइल रहेगा नहीं, ये डिलीट हो जाएगा। तो जब आपको सेव करने का होगा तो सेव कीजिएगा, तो सेव होते हुए बंद हो जाएगा क्योंकि बंद के ऑप्शन पे क्लिक किए हैं तो बंद हो जाएगा। डोंट सेव पे कीजिए, सेव नहीं होगा, बंद हो जाएगा। ये गलती से हम दबा रहे थे, मान के चलिए मिनिमाइज कर रहे थे, हो गया क्रॉस पे, तो ऐसी स्थिति में ये टैब को हटाने के लिए, ये आपको ये जो होता है बॉक्स को हटाने के लिए क्या कीजिएगा, कैंसिल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो हम लोग फिलहाल चल रहे हैं अभी किस पे, सेव करने पे बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए सेव कर लेते हैं। देखिए फाइल को सुरक्षित रखने के लिए फाइल में जाइए और सेव कर दीजिए। तो ये सेव करने से क्या होगा, आपका फाइल सुरक्षित हो जाएगा। तो ये फाइल जाएगा कहाँ पे, तो यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है, सो दिस पीसी है और दिस पीसी है, उसके बाद है आपको डॉक्यूमेंट है। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट है तो ये कहाँ पे जाके सेव हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट में जाके सेव हो जाएगा। हमको डॉक्यूमेंट में नहीं जाके सेव करना है, किस पे जाके सेव करना है, तो डेस्कटॉप पे। तो हम लोग इस ऑप्शन में से चुन लेंगे डेस्कटॉप और यहाँ पे फाइल नेम को दे देंगे, उसके बाद क्या करेंगे फाइल नेम दे देंगे। यदि आप फाइल नेम नहीं दीजिएगा, इसमें फाइल नेम नहीं दीजिएगा तो पता क्या चलेगा इसमें कौन चीज़ हम लिखे हैं। तो चलिए इसमें लेटर लिखे हैं या बायोडाटा लिखे हैं, तो इसमें बायोडाटा लिख दीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए इस पर फाइल नेम पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए बायोडाटा के नाम से आप सेव कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे ही सेव कीजिएगा तो बायोडाटा के नाम से ये सेव हो चुका है। तो देखिए इसको हम क्रॉस कर देते हैं, यहाँ से क्रॉस कर दिए और इसको काट भी देते हैं, कट गया। अब देखिए बायोडाटा के नाम से यहाँ पर सेव हो चुका है, यहाँ पर सेव हो चुका है, बायोडाटा के नाम से सेव हो चुका है, ठीक। तो
तो इस तरह से आप लोग सेव कर सकते हैं। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आपको ये आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग सेव कर लेते हैं जिससे फाइल मेरा सुरक्षित रहे। क्या रहे? मेरा फाइल सुरक्षित रहे। तो चलिए सेव कर चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं इसको सेव एज का अर्थ समझ लेते हैं। देखिए जब कोई इसमें कुछ हम ऐड कर देते हैं, जैसे इसको हम कॉपी किए और कॉपी कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कॉपी किए और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिए, कंट्रोल बी कर दिए, पेस्ट तो हो गया, ऐड हुआ। तो जब हम इसको कंट्रोल इसमें फाइल में जाके सेव कर देंगे तो अब इसमें हमको डायलॉग बॉक्स नहीं देगा, ये आपको पॉपअप नहीं, ये चार्ट नहीं दिया। ये तो हम तो कॉपी पेस्ट कर दिए, इसको ऐड भी कर दिए, लेकिन हमको दिया क्यों नहीं ऑप्शन सेव का? क्योंकि ये जो है बायोडाटा में ही जाके ये भी सेव हो चुका है। और सेव एज का अर्थ होता है जब कोई फाइल को हम पुनः सेव करते हैं, नाम बदल के, नाम भी बदल सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में सेव का प्रयोग करते हैं। देखिए तभी सेव किए थे तो बॉक्स नहीं दिया था, इस बार हम लोग को ये बॉक्स दे दिया। तो यहाँ पे बायोडाटा हम लिखे हैं तो अब क्या करते हैं, इसी को हम बायोडाटा फर्स्ट के नाम से सेव करते हैं। ठीक है, तो इसको बायोडाटा फर्स्ट के नाम से सेव कर दिए तो क्या होगा, यहाँ पे बायोडाटा सिर्फ है और अब जो लिखाएगा बायोडाटा आपको क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट, तो दो गो हो जाएगा डेस्कटॉप पे, क्या हो जाएगा दोबारा ये सेव हो जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या होता है, कभी कभी ऑफिस समय काम पड़ता है तो पुनः सेव एज का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो देखिएगा यहाँ पे बायोडाटा है और यहाँ पे भी एक आ गया है फर्स्ट के नाम से, तो यहाँ पे फर्स्ट के नाम से लिखा भी जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से सेव एज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं ओपन, तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम क्रॉस कर देते हैं, इस चैप्टर को बंद कर देते हैं और उसके बाद एमएस वर्ड को पुनः खोलते हैं। और जैसे ही ओपन करेंगे तो इसमें देखिए न्यू पेज आ चुका है, तो इसको यदि पुनः पुराना ही फाइल को खोलेंगे तो हम लोग फाइल में जाएंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे, जो मैंने अभी सेव किया था उसको यदि ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक कीजिए। फिर देखिए जैसे जैसे हम सेव किए थे अभी किस में है, तो डॉक्यूमेंट पे है, तो ओपन करेंगे तो हमको खोजना होगा कहाँ पे, डॉक्यूमेंट में तो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रखे हैं सेव करके रखे हैं डेस्कटॉप पे, खोजिएगा डॉक्यूमेंट पे तो कभी मिलने वाला है नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे बायोडाटा फर्स्ट के नाम से यहाँ पे है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के उपरांत आपको क्या करना है, ओपन कर देना है। तो जो मैंने पहले सेव किया था वही फाइल आपको ये ओपन हो चुका है, तो ओपन भी समझ गए। उसके बाद हम लोग चलते हैं ये आपको क्लोज के लिए, तो चलिए क्लोज से तो स्पष्ट हो रहा है बंद करना होता है, तो इस चैप्टर को यदि हम बंद करेंगे तो क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब पूरा लाना है तो ओपन करेंगे, ओपन में फिर डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे, डेस्कटॉप पे है ही, और इसमें बायोडाटा फर्स्ट पे क्लिक करके फिर इसको ओपन कर दे रहे हैं, तो ये ओपन भी हो गया। इस तरह से पुनः हम क्लोज करके ला भी सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं और ला भी सकते हैं। उसके बाद आता है आपको इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन से स्पष्ट हो रहा है, ये जानकारी दे रहा है मैंने कितना काम किया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन से स्पष्ट हो रहा है मैंने इस पर कितना काम किया। तो चलते हैं इस पर देखते हैं, इन्फो पे क्लिक किए और यहाँ पे देख रहे हैं साइज लिखा हुआ है 12.9 KB, तो ये क्या होता है, ये 12.9 KB हो गया। पेज कितना है, पेज 1 है और वर्ड कितना है, 238 है। कितना मिनट में लिखे हैं, तो ये आपको एक मिनट दिखा रहा है, तो 1/1 आप 238 दे दीजिएगा तो ये टाइपिंग कितना का आपका स्पीड है वो पता चल जाएगा। तो ये क्या कीजिएगा, टाइपिंग को स्पीड को देखने के लिए आप फाइल में जाइएगा, रिसेंट पे जाइएगा, अब मान लेते हैं 10 मिनट में आपने लिखा ये 200 वर्ड, अब भागा दे दीजिए तो जैसे ही 20 दे दिए, ठीक है, तो यहाँ पे 20 का स्पीड हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग इसको निकाल सकते हैं, तो कैसे टाइपिंग स्पीड है वो भी निकाल लीजिएगा, समझ गए। अब चलते हैं आगे, इन्फॉर्मेशन हो गया, इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ और समझते हैं, इसमें इस फाइल में हम चाहते हैं लॉक लगाने के लिए तो आप लॉक भी लगा सकते हैं। देखिए लॉक का ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देगा ऑप्शन, ठीक है, और जैसे ही ऑप्शन दिया तो यहाँ पे पासवर्ड को क्या कीजिएगा, इंटर कीजिएगा। तो जैसे इसमें हम लगाते हैं 1, 2, 3, ठीक है, ओके किए, एक बार फिर री पासवर्ड मांगेगा पुनः कंफर्म के लिए, आपको ये आप पासवर्ड लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, तो फिर इस पर क्लिक कीजिए, 1, 2, 3 कीजिए, ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके कीजिएगा तो ये आपका पासवर्ड लग चुका है
और जैसे ही इसको सेव कर दीजिएगा, फाइल में जाइए, सेव कर दिए, सेव कर दीजिएगा, अब पुनः इसको ओपन कीजिएगा तो देखिए आपको पासवर्ड मांग देगा। जब आप इसको ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो इस तरह से आप पासवर्ड जब तक नहीं देते हैं तो जो भी डेटा मैटर को बनाए हैं वो आपका ओपन नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको पासवर्ड भी इसमें देखिएगा, पासवर्ड लगाएं 123, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, कर्सर इसमें चलना चाहिए, ठीक है, 123 इसमें लिखे, जैसे ही लिखे और ओपन करेंगे, ओके करेंगे तो ये ओपन हो चुका है, हो जाएगा। चलिए गलत हो गया पासवर्ड, चलिए फिर से इसको ओपन करते हैं, गलत हो गया है पासवर्ड, इसमें 123 डालते हैं, ठीक है, इस पर क्लिक किए, 123 ओके करते हैं, ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, पासवर्ड लगा के ओपन भी कर सकते हैं। तो रिसेंट भी समझ गए। उसके बाद हम लोग चलते हैं न्यू में। न्यू का काम होता है नया पेज लेना। जैसे यहाँ पे देखिएगा ब्लैंक वाला पेज लीजिएगा तो यहाँ पे क्रिएट कर दीजिएगा, ठीक है, ब्लैंक लेना है। तब आपको चाहते हैं इसमें हम कुछ डिजाइनिंग वाला ले ले तो इसमें न्यू पे जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा ढेर सारे ऑप्शन है। देखिएगा सर्टिफिकेट भी आप ला सकते हैं, जो भी डिजाइनिंग आप चाहिएगा ये ला सकते हैं इसके जरिए। इसमें सब है लिखा हुआ, आप जिस पे क्लिक कीजिएगा वो आ जाएगा। तो मैंने अभी सिंपल सैम्पल टेम्पलेट्स पे जैसे ही क्लिक करता हूँ इस पे क्लिक कर लिए हैं और जैसे ही इसको क्लिक कीजिएगा इस तरह का बॉक्स देगा और जो डिजाइन आपको पसंद होता है उस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्या क्या कर दीजिए आप लोग क्रिएट कर दीजिए। जैसे ही डॉक्यूमेंट पे क्रिएट कीजिएगा तो यहाँ पे इस तरह से डिजाइन किया हुआ आपको टेम्पलेट्स मिल जाएगा और इसमें नाम वगैरह सब बदल के आप काम कर सकते हैं आसान तरीका से कम ही समय में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए न्यू को भी। उसके बाद सेंड एंड सेव है, सेव एंड सेव है। तो इसको देखिए सेंड से स्पष्ट हो रहा है, सेव करते हुए हमको सेंड करना है तो इसे स्पष्ट हो रहा है। तो कोई भी फाइल को हम सेव भी कर दें और सेंड भी कर दें। तो देखिए सेंड यूजिंग मेल, मेल से आप करना चाहते हैं तो मेल से कर सकते हैं, सेव टू वेब से करना चाहते हैं तो वेब से कर सकते हैं। उसके बाद सेव शेयर पॉइंट से कर सकते हैं, पब्लिश्ड ब्लॉग से कर सकते हैं, पोस्ट से कर सकते हैं, टाइप फाइल से, यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ, यहाँ पे पीडीएफ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक करके आपको फाइल नेम दीजिए और फाइल नेम देने के बाद पब्लिश्ड जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये आपका पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से आप लोग लिख के पीडीएफ भी बना सकते हैं। तो समझ रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं फाइल में। फाइल में जाने के बाद प्रिंट को देख लेते हैं। प्रिंट से तो स्पष्ट हो रहा है आप लोग जो चीज़ लिखे हैं उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो जो अभी मैंने लिखा था उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिया, इस पर प्रिंट कीजिए। यहाँ पे कॉपी लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 कॉपी आपको लेना है इसी पेज का, एक नंबर पेज का 20 कॉपी लेना है तो आपको 20 को कॉपी दे देगा। आपका कौन सा प्रिंटर है ये सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद प्रिंट ऑल पेज, इसमें ऑल पेज यदि रख देते हैं तो यदि 25 पेज है तो 2500 प्रिंट हो जाएगा, 100 रहेगा 100 हो जाएगा। यदि आपको इसी में क्लिक कीजिएगा, करेंट पे क्लिक कर देते हैं तो इससे क्या होगा, जो फाइल यहाँ पे मेरा दिखाई दे रहा है, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे फाइल दिखाई दे रहा है वही करेंट का मतलब होता है वर्तमान में जो दिखाई देता है वही सिर्फ प्रिंट होगा, बाद बाकी नहीं होगा। इसी तरह आप लोग सेटिंग कर लीजिएगा और उसके बाद प्रिंट कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, सेव एंड सेंड भी बता दिए, चलिए प्रिंट भी बता दिए, हेल्प के बारे में जानते हैं। तो हेल्प क्या होता है, हेल्प का मतलब एमएस वर्ड से संबंधित जो भी जानकारी होगा इसमें आपको ऑफिस के बारे में बताता है और आप इससे हेल्प ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं क्या रूल रेगुलेशन या क्या सब इसमें डाला हुआ है। उसके बाद ऑप्शन है, ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं डिस्प्ले सेटिंग है, इसमें जितना भी है सेटिंग से संबंधित है इसको सेटिंग कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो अन्यथा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इसको नहीं करना है, ये जनरल सेटिंग होता है तो इसीलिए इसको सेटिंग नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हेल्प भी हो गया, ऑप्शन भी हो गया। एग्जिट का मतलब होता है बाहर होना, तो बाहर से तो स्पष्ट हो रहा है सो हम लोग इसको चाहते हैं बंद करने के लिए तो बंद हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बंद कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए सो किस तरह से फाइल मेन्यू में हम लोग को काम करना है और इसको फाइल मेन्यू को देखते हुए आपको पढ़ना है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग होम पे। होम पे अच्छे तरीका से समझेंगे। फाइल आपको इंड हो गया, ठीक है, फाइल हो गया। उसके बाद होम चलेंगे, होम के बाद उसके इंसर्ट चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग चैप्टर बारी बारी से आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग
सीरियल करके वीडियोज को देखते रहिएगा। जैसे इसमें आपको डाला हुआ रहेगा जैसे वन, जैसे सेटअप आप लोग वीडियोज देखिएगा तो किस तरह से देखना है, तो आप लोग पहले वीडियोज को एक नंबर देखिए, तब दूसरा नंबर एमएस वर्ड का एक नंबर एक चैप्टर, एमएस वर्ड का दूसरा चैप्टर, एमएस वर्ड का तीसरा चैप्टर, एमएस वर्ड का चौथा चैप्टर। यदि इसी तरह से आपको फंडामेंटल आता है तो फंडामेंटल का फर्स्ट चैप्टर, फंडामेंटल का सेकंड चैप्टर, फंडामेंटल का थर्ड चैप्टर, इसी तरह आप लोग को देखना है। एक्सेल में जाएंगे तो एक्सेल का फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इसी तरह आप लोग को बढ़ना है। फोटोशॉप में जाएंगे तो फर्स्ट का फोटोशॉप का फर्स्ट चैप्टर सेकेंड, तो इस तरह से आप लोग यदि वीडियोज को देखते हैं तो आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा और आपको पूरा कोर्स ऑनलाइन के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। और जहां तक डॉट वाली बात है तो कोई दिक्कत होगा तो आप लोग को डॉट बताया जाता है, तो आपको समय बताया जाता है, उसके अनुसार आप लोग लाइव होके इसमें डाउट को पूछ सकते हैं।